अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। मानसून का तूफानी मिजाज, नेपाल से छूटे जल से यूपी बिहार में प्रलय की स्थिति। रूस से मोदी का दुनिया को शांति का संदेश, आतंकवाद से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध पर मंथन। और भारतीय सेना का मानवीय चेहरा, आर्मी ने उठाया 9 साल के बुरहान के ऑपरेशन का खर्च। अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की करेंगे। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त या तो भारी बारिश हो रही है या फिर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लगातार हो रही इस बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तमाम सरकारी एजेंसियां मोर्चे पर तैनात हैं, जो लोगों के रेस्क्यू और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं मुसीबत की इस घड़ी में सामाजिक संस्थाएं और लोग भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। कहीं नदियों में उफान, कहीं डैम के खोले जा रहे गेट और कहीं लोगों को किया जा रहा आगाह। नदी का पानी और बढ़ सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। आप सभी से अनुरोध है नदी किनारे छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। इन दिनों मानसून के तूफानी मिजाज को बयां करने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड, यूपी और बिहार से आई हैं, जहां भारी बारिश की वजह से कई जिलों में लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण कुमाऊं क्षेत्र की नदियों में उफान आ गया है, जिसके कारण इनका पानी कई रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। कुमाऊं के ही चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों को लगाया गया है। हमारी एनडीआरएफ की तीन टीमें टनकपुर, खटीमा और सितारगंज एरिया में ऑपरेशन चलाई और उसमें हमने लगभग 450 से लेकर और 500 के आसपास उसको सिविलियंस को रेस्क्यू किया। और इसके अलावा हमारी 14 अन्य टीमें पूरे उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए तैनात हैं और हमारे कमांडेंट श्री सुदेश कुमार ड्राल, उन्होंने पूरे जो लोकल घटना स्थल है उस पर रह के सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। हालात का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। सभी को कहा है कि प्रशासन के लोगों को सपोर्ट करे, जितना भी राहत राहत का काम मदद करे। पहाड़ों पर हो रही इस बारिश के कारण मैदानी इलाकों में भी लगातार बाढ़ का संकट गहरा रहा है। इस बाढ़ के संकट के पीछे एक बड़ा कारण नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी भी है। यूपी के पीलीभीत, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले से आई ये तस्वीरें बाढ़ की विभीषिका को बयां कर रही हैं। लोग जान बचाने के लिए अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव की टीमों को लगाया गया है, जो दिन और रात बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद में जुटी हुई है। पड़ोस में हमारे जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पे भी बारिश लगातार हो रही है और पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी पहाड़ों में भारी वर्षा चल रही है और उसके साथ ही साथ जो बैराज है उससे भी पानी नीचे पहाड़ से बहुत स्पीड से आ रहा है और जो हमारी देवा नदी है और शारदा नदी है उसमें अभी बढ़ता हुआ ही ट्रेंड इस समय भी चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम जनपद में तैनात है दोनों ही तहसीलों के लिए। ट्रांस शारदा में जो लोग जहां पानी भरा हुआ था उन लोगों को निकाल के जो हमारे शरणालय बनाए गए हैं स्कूल्स में वहाँ उन्हें पहुँचा दिया गया है सुरक्षित। उनके खाने पीने रहने और की सभी समस्त व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित की जा रही हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि विगत दो दिनों से नेपाल में भी और जनपद में भी काफी बारिश के कारण सभी
क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में जल भराव हुआ है। राप्ती नदी में जो सिंचाई घाट पर स्थापित गेज है वहाँ पर भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा था, लेकिन अभी वो स्थिर हो गया है और धीरे धीरे घटना भी प्रारंभ हो गया है। इसके साथ सभी क्षेत्रों में हमारी सभी बाढ़ चौकियाँ, सभी बाढ़ शरणालय सभी एक्टिव हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, मेरे स्वयं के द्वारा भी सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर सतर्क की दृष्टि बनाए रखी जा रही है। उधर यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार के भी कई जिलों में बाढ़ ने हाहाकार मचा कर रखा है। नेपाल की तरफ से लगातार छोड़ा जा रहा पानी बिहार के कई जिलों में मुसीबत बना हुआ है। गोपालगंज, सुपौल और बगहा जैसे कई जिलों के सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। लिहाजा गांव वाले जान बचाने के लिए लगातार सुरक्षित इलाकों का रुख करने को मजबूर है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश और फिर कोसी बराज से तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जैसे इलाके जो कोसी के आसपास बसे हुए हैं वो अब बाढ़ की स्थिति झेलने के लिए मजबूर है। हम दरअसल इस वक्त मौजूद हैं सुपौल जिले में और आपको हम कोसी नदी के ठीक पास में हम यहाँ खड़े हैं और आप यह पहले अब नदी का रौद्र रूप देखिए किस तरीके से हर साल की भांति इस साल भी कोसी नदी अपना रौद्र रूप, विकराल रूप जो है वो दिखा रही है। पश्चिम चंपारण के दूर दराज वाले इलाके और जो मुख्यालय से सटे हुए इलाके हैं वहाँ भी गंडक का पानी घुसा है गांवों में। और इस वक्त हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये रामपुरवा पंचायत है और रामपुरवा पंचायत पश्चिम चंपारण का, जहां ये बिंद टोला है और यहां पर जो हालात हैं, तस्वीर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार जुलाई महीने में ही कोसी नदी के जलस्तर में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है, जिसमें आने वाले दिनों में भी और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि नेपाल के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में लोगों से बाढ़ प्रभावित इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की जा रही है। चंपावत से राहुल सिंह, उधम सिंह नगर से रमेश चंद्र, बलरामपुर से सुजीत कुमार, पीलीभीत से सौरभ पांडे, सुपौल से रोहित सिंह और वाल्मीकि नगर से शशिभूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी रूस में रह रहे भारतीयों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने रूस भारत संबंधों, G20 विश्व कप में मिली जीत और दुनिया भर में भारत की बढ़ रही धमक को लेकर बात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे ताकि भारत रूस संबंधों को और मजबूती दी जा सके। इतना ही नहीं, दौरे के दूसरे दिन दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें यूक्रेन संकट के समाधान पर दुनिया ने एक बार फिर से भारत का रुख देखा। और इसके बाद मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की इन तस्वीरों के जरिए दोनों देशों के संबंधों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री को पूरी दुनिया ने देखा। दौरे के पहले दिन से लेकर दूसरे दिन तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दौरे का सबसे अहम पल तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें आतंकवाद, व्यापार, रोजगार और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और पीएम नरेंद्र मोदी ने युद्ध के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की
और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते, बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। इससे पहले पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति के साथ मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एटम पवेलियन का दौरा किया। इसे रूस का न्यूक्लियर एनर्जी हब माना जाता है। इस दौरान मोदी ने रूस की परमाणु पनडुब्बी का मॉडल भी देखा। रूस हमेशा से व्यापारिक और सामरिक लिहाज से भारत का करीबी रहा है। इन्हीं संबंधों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त किया जब वो मॉस्को में भारतीयों के बीच पहुंचे, जहां रूसी कलाकारों के साथ साथ भारतीयों ने भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके आने से यहाँ पर एक बाहर सी आ गई और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम उनको इतने नजदीक से देख सके और मिल सके। आज हम बहुत खुश हैं कि हमने मोदी जी को पहली बार लाइव देखा, अपने सामने रूबरू देखा। लाइफ टाइम अचीवमेंट है, कभी नहीं भूल सकते। उम्मीद है कि हम दोबारा से उनसे मिलेंगे और दोबारा रूबरू होने का, करीब से देखने का मौका मिलेगा। तो हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मैं खुद सेंट पीटर्सबर्ग से आया हूँ यहाँ पे। मैं सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ाई करता हूँ, तो इट इज रियली मेमोराइजिंग मोमेंट फॉर मी, लाइफ टाइम मैं नहीं भूल सकता हूँ। एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है हमारे को। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत रूस संबंधों के अलावा T20 विश्व कप में मिली जीत, चंद्रयान मिशन में मिली सफलता जैसे कई मुद्दों पर बात की। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने रूस में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने की गुड न्यूज भी कार्यक्रम में आए लोगों को दी। पीएम मोदी ने बताया कि रूस के कजान और येकातेरिनबर्ग में ये वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे ताकि भारत रूस संबंधों को और मजबूत किया जा सके। साथियों, में दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और यकातेरिनबर्ग में दो नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया गया। आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। ये शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर को रूस में आयोजित किया जाएगा। मॉस्को से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं भारतीय सेना के मानवीय चेहरे की। कश्मीर के बारामूला में सेना की चिनार कोर ने 9 साल के दिव्यांग बच्चे के ऑपरेशन और उसके पूरे इलाज का खर्च उठा लिया। पहली बार दिल्ली के मशहूर आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में किसी सिविलियन की सर्जरी हुई है। पिता के पास इलाज और ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी बुरहान नाम के इस बेहद खास बच्चे की हार्ट ब्लॉकेज की समस्या दूर हो गई। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने क्लासमेट्स के साथ खेलकूद भी रहा है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है। बेहद खास बच्चा है 9 साल का बुरहान, जिसकी रुचियां, व्यवहार, स्वभाव, आईक्यू और समझ दूसरे सामान्य बच्चों से अलग है। बुरहान निश्चल है, निष्कपट और निर्बल है।
शारीरिक श्रम वाले कामों में बुरहान को किसी तरह की परेशानी नहीं होती। इसकी पसंद भी सामान्य बच्चों की तरह ही है। फिल्मी गानों पर जमकर थिरकता है। जो बच्चे इसकी तरह हैं, वो भी कदम से कदम मिलाते हैं। एक साल पहले अचानक बुरहान की इस मुस्कुराहट पर ग्रहण लग गया था, जब उसके परिवार को पता चला कि उसके दिल की नसों में ब्लॉकेज है। हार्ट ब्लॉकेज की वजह से खून के प्रवाह में रुकावट पैदा हो रही है, जिस कारण पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने में कठिनाई है। बुरहान की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए स्थानीय डॉक्टरों ने जल्द से जल्द दिल्ली में सर्जरी करवाने की सलाह दे दी, ताकि उसकी जान बच सके। बुरहान दिल की बीमारी से मुबतला था, इसकी दो नसें बंद थी। हमने इसे बहुत इलाज करवाया तो लास्ट में हम गए सूरा इंस्टीट्यूट में, उन लोगों ने फाइनली बोला कि इसका यहाँ सर्जरी नामुमकिन है, आप इसे बाहर ले जाओ। ये समस्या तब और बड़ी हो गई जब पता चला कि हार्ट ब्लॉकेज को दूर करने वाली सर्जरी का खर्च करीब 12 से 13 लाख के बीच बैठेगा। दिल से जुड़े ऑपरेशन का खर्च सुनते ही बुरहान के परिवार के होश उड़ गए, क्योंकि बुरहान के पिता किसान हैं, खेती के जरिए बेहद मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। ऐसे में लाखों की सर्जरी, बारामूला से दिल्ली का सफर और इलाज के दौरान वहां रहने खाने का कुल खर्च सोचकर ही बुरहान के पिता अब्दुल मलिक परेशान हो उठे। तभी उन्होंने भारतीय सेना के चिनार कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हनदीप पुरी से अपना दुख साझा करने का फैसला किया। डॉक्टर से बोला कि खर्चा कितना आएगा, उन्होंने बोला कि 12 या 13 लाख रुपया। तो हम परेशान थे, तो अल्लाह का शुक्र है हमने पहले ये एडमिशन किया था आर्मी स्कूल परिवार बारामूला में। तो हमने वहाँ इंडियन आर्मी ऑफिसर से बात की कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, इनका इलाज सही होना चाहिए। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, हम आगे बात बढ़ाएंगे। तभी पूरी टीम जो बारामूला की है इंडियन आर्मी की, हमें फ़ोन करते रहे, आप निश्चित रहो कोई बात नहीं, हम इसका इलाज वहाँ करवाएंगे, जहाँ हमें मिडिल क्लास के लोग हैं सोचना भी नामुमकिन है। इसके बाद चिनार कोर के अधिकारियों ने पहले बुरहान के इलाज के लिए 5 लाख का फंड जमा किया, जिसके बाद बुरहान और उसके परिवार के लिए दिल्ली के मशहूर आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में दाखिले और वहां तक जाने का इंतजाम किया गया। आरआर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आर्मी के डॉक्टर्स ने 9 साल के छोटे बच्चे बुरहान की सफल सर्जरी की। ये पहला मौका था जब किसी सिविलियन का ऑपरेशन और इलाज सेना के सबसे बड़े अस्पताल में हुआ हो। तो हम यहाँ 21 फरवरी निकले, इन्हीं का खर्चा, खाना पीना, वहाँ जो भी खर्चा हुआ वो इंडियन आर्मी ने दिया। बुरहान को आरआर हॉस्पिटल दिल्ली लिया गया, जो एक इंडियन आर्मी का एक हॉस्पिटल है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सिविलियन की सर्जरी जो है वो एक आर्मी हॉस्पिटल में हुई है। लेकिन बुरहान की जब सर्जरी हुई, उसके बाद बुरहान की जो सर्जरी वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई। बुरहान की जिंदगी बचने के बाद पूरा परिवार अब तहे दिल से भारतीय सेना का शुक्रगुजार है। बहुत अच्छे लोग हैं ये, फौज के बंदे बहुत अच्छे हैं, इनके इखलाक अच्छे हैं। हमें ऐसा इज्जत दिया कि एक जैसे मैं एक ऑफिसर था। हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे का इलाज किया और हमें मेरे बच्चे का जिम्मा उठा दिया। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी, अब हम बहुत खुश हैं। हमारा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, पढ़ता अच्छी भी, कहाँ सोचता समझता बहुत अच्छा। हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं। साल 2017 में भारतीय सेना के चिनार कोर ने पुणे की इंद्राणी बालन फाउंडेशन के साथ मिलकर दिव्यांग बच्चों के लिए बारामूला में डागर परिवार स्कूल की नींव रखी थी। ये स्कूल घाटी के स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम करता है, ताकि ये बच्चे शिक्षा और दुनियादारी के मामले में सामान्य बच्चों से पीछे न रह जाएं। बारामूला से दाऊद शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, जहां पर इन दिनों बड़ी तादाद में श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 29 जून से लेकर अब तक बाबा बर्फानी के दर पर 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए यह पवित्र गुफा आस्था का प्रमुख केंद्र है, लिहाजा अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधाओं में भी बेहतरीन इजाफा किया गया है।
भोले बाबा के प्रति आस्था और विश्वास से भरपूर ऐसे ही कई और जयकारे इन दिनों घाटी की फिजाओं में गूंज रहे हैं। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा मौसम जैसी कई बाधाओं के बावजूद जारी है। ये बाबा बर्फानी के प्रति उनके भक्तों की अगाध आस्था ही है जो सावन से पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाई दे रही है। कश्मीर में 29 जून से जारी इस साल की अमरनाथ यात्रा में पहले 10 दिन के दौरान 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं और अमरनाथ यात्रियों में जोश बना हुआ है। कश्मीर में लगभग 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को दुनिया भर के लाखों हिंदू भगवान शिव के घर के रूप में पूजते रहे हैं। अपने आराध्य की भक्ति की मिसाल ये भक्त बाबा के दरबार में भारी संख्या में पहुँच कर दे रहे हैं। तभी तो अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा पहुँच कर बाबा के दर्शन किए। दर्शन का ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है। वैसे अमरनाथ यात्रा जितनी मुश्किल है ये उतनी ही रोचकता से भरी भी है। हर साल होने वाली इस यात्रा को लेकर लोगों के मन में बेहद उत्सुकता रहती है। यही वजह है कि यहाँ बाबा के दरबार में पहुँचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाबा के दर्शन का ये सफर कठिन जरूर है लेकिन इसे सुगम बनाने का हर संभव प्रयास हर साल प्रशासन की तरफ से किया जाता रहा है। यात्रा मार्ग पर बनाए गए बेस कैंप में यात्रियों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक के पर्याप्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा दुरुस्त की गई है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को देखकर खुश है। वहीं पैदल चलने के अलावा लोगों के पास हेलीकॉप्टर से लेकर घोड़े या खच्चर से भी यात्रा करने के विकल्प हैं। ऐसे में कहीं मौसम श्रद्धालुओं का साथ देता है तो कहीं चुनौती भी बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तभी इसी सोच को आत्मसात करते हुए अमरनाथ यात्रा के इस उत्सव में आस्थावान पूरे जोश और उल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं और ये सफर 19 अगस्त तक यूं ही चलता रहेगा। जिस अंदाज से अब की बार अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम मेहरबान रहा है उससे अमरनाथ यात्रियों को काफी सहूलियत भी हुई और उनके हौसले भी बुलंद हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।